दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, वह कौन सा जानवर है जिसे आमतौर पर गणेश की सवारी माना जाता है। आपके विकल्प है, पहला विकल्प है चूहा, दूसरा विकल्प आपका है मूषक, तीसरा विकल्प है हैमस्टर और चौथा विकल्प गिलहरी। और इस सवाल का सही जवाब दोस्तों है मूषक। गणेश का जो नाम है गजदंत, उसका मतलब होता है ऐसा जिसके दांत हाथी जैसे हो। गणेश का नाम अवनीश का अर्थ होता है जो सारी दुनिया पर शासक कर सके, रूलर की तरह। गणेश का नाम प्रज्ञेश का मतलब होता है ज्ञान और बुद्धिमानी से भरा हुआ। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन इस वीडियो का है, वॉल्ट डिज्नी अमेरिका के किस राज्य में है। आपके विकल्प है, पहला विकल्प है दोस्तों टेक्सास, दूसरा विकल्प है मिशिगन, तीसरा विकल्प आपका है फ्लोरिडा और चौथा विकल्प मैरीलैंड। और इस सवाल का सही जवाब दोस्तों है फ्लोरिडा। दोस्तों, डिज्नी एक साधारण पृष्ठभूमि के फैमिली से आए थे। उनके पिता का अखबार बेचने का व्यवसाय था और बाद में उन्होंने फलों के रस की कंपनी में काम किया था। डिज्नी का पहला एनिमेशन स्टूडियो लाफ ओ ग्राम था, जहां उन्होंने इस सब की दंत कथाओं के आधार पर आधुनिक फेरी टेल्स को बताना शुरू किया था। वॉल्ट डिज्नी का मिक्की माउस एक बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर है, लेकिन इस कैरेक्टर से पहले ओसवाल्ड द लकी रैबिट इनकी पहली रचना थी। तीसरा क्वेश्चन इस वीडियो का दोस्तों, क्रिकेट एम्पायर साइमन टॉफेल किस देश से थे। आपके विकल्प है इंग्लैंड, दूसरा विकल्प है न्यूजीलैंड, तीसरा विकल्प ऑस्ट्रेलिया और चौथा विकल्प है सिंगापुर। और इस सवाल का सही जवाब दोस्तों है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, जो क्रिकेट देखते हैं उनको तो मालूम ही होगा कि साइमन टॉफेल एक बेहतरीन एम्पायर है इंटरनेशनल क्रिकेट के। उन्होंने अपने स्थानीय क्रिकेट क्लब में तेज मध्यम गेंदबाज के रूप में क्रिकेट की शुरुआत की थी। साइमन टॉफेल एम्पायरिंग के लिए बहुत उत्सुक नहीं थे शुरुआती दिनों में, लेकिन उनके दोस्त के सुझाव ने एम्पायरिंग को उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया। जब 2009 में पाकिस्तान के दौरे के दौरान श्रीलंकाई टीम पर आतंकवादी हमला हुआ था, तब टॉफेल बहुत सौभाग्यशाली थे क्योंकि वह मौत से बाल बाल बच गए थे जब आतंकवादियों ने उनके मिनी वैन पर गोलियां चलाई थी। चौथा क्वेश्चन इस वीडियो का दोस्तों, वह कौन सा भाग है जो ऑटोमोबाइल में इंजन को ठंडा करने में मदद करता है। विकल्प है आपके कूलर, दूसरा विकल्प रेफ्रिजरेंट, तीसरा विकल्प है रेडिएटर और चौथा विकल्प है हीटर। और इसका सही जवाब है रेडिएटर। दोस्तों, रेडिएटर दो प्रकार के हो सकते हैं, एक जो चीज को ठंडा करने के लिए काम आए और दूसरा चीजों को गर्म करने के लिए यूज हो। मूल रूप से रेडिएटर का काम होता है गर्मी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करना। कूलेंट लिक्विड रेडिएटर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। आधुनिक कारें एल्यूमिनियम रेडिएटर का उपयोग करती है और इन्हें हीट एक्सचेंजर्स भी कहा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो का पांचवा क्वेश्चन है, हिंदी शब्द सौदागर का मतलब क्या होता है। विकल्प है व्यवसायी, दूसरा विकल्प है दलाल, तीसरा विकल्प है एजेंट और चौथा विकल्प है ग्राहक।
और इस सवाल का सही जवाब है व्यवसायी। सौदागर मतलब व्यवसायी। दोस्तों क्या आपको मालूम है बॉलीवुड में 1973 और 1991 में सौदागर नाम से दो फिल्मों का निर्माण हुआ था। उसमें से 1973 की फिल्म में सुपरस्टार अमिताभ बच्चन मुख्य भूमिका के रूप में थे और कहानी गुड व्यवसायी बीवी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पर आधारित थी। 1991 की फिल्म में दिलीप कुमार और राजकुमार जैसे दिग्गज कलाकार थे और इसकी कहानी दोस्ती, साजिश और प्यार के इर्द गिर्द घूमती थी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। अगर पसंद आया तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ये वीडियो और लाइक बटन दबाइए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी दिन किसी और क्विज में। तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी लाइफ।